का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले टॉपिक में हम क्या पढ़े थे, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़े थे। तो तीन टाइप्स के होते हैं आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके हम दो टाइप पढ़े थे, एक बाय बडिंग के द्वारा और दूसरा बाय बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। तो ये हम देख लिए थे। और हम अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिए थे कि वो किस टाइप से होता है। तो बाय एंडोस्पोर के द्वारा होता है और बाय जूस्पोर के द्वारा होता है, ये हम देखे थे। आज हम क्या देखते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो होता नहीं है लेकिन क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है, उसी को हम आज देखते हैं कॉन्जुगेशन के रूप में कैसे होता है। तो कॉन्जुगेशन को सबसे पहले लेडर बर्ग एंड टेंटम ने 1946 में इसको दिया, लेडर बर्ग ने और टेंटम ने वर्णन किया या खोज किया, इसका वर्णन किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है वो किसने किया, इचरिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया। तो हम कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम दो बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया का सेल लेते हैं। तो सबसे पहले जो डोनर बैक्टीरिया है और रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, तो डोनर बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो जो एफ प्लस फैक्टर होगा इसमें, ये जो एफ प्लस फैक्टर है, ठीक है, प्लस फैक्टर होगा उसको हम डोनर बैक्टीरिया बोलेंगे। जिसमें एफ प्लस जो फैक्टर अनुपस्थित होगा, अभाव होगा, उसको रिसिपिएंट सेल्स बोलेंगे या रिसिपिएंट बोलेंगे। तो डोनर सेल क्या होता है, डोनर डोनेट करने वाला होता है और रिसिपिएंट मतलब लेने वाला होता है, ठीक है। तो डोनर मतलब देने वाला और रिसिपिएंट मतलब लेने वाला, ठीक है, या फिर इसको होस्ट सेल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो डोनर सेल है इनके चारों ओर एक पिलाई लगा रहता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको सेक्स पिलाई बोल सकते हैं या सीलिया बोल सकते हैं, वो लगा रहता है। और इसमें इस डोनर सेल में क्या रहता है, एक सर्कुलर डीएनए रहता है। क्या रहता है, सर्कुलर यानी गोलाकार डीएनए, ठीक है। और इसमें जो है एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, रिसिपिएंट सेल। जब दोनों सेल यानी डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल दोनों आपस में आएंगे, तो इसकी सहायता से जो पिलाई की सहायता है दोनों आपस में चिपकते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो क्या होता है, ये जो सेक्स पिलाई है वो डिग्रेडेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से हट जाता है वो। उसके बाद ये दोनों हैं आपस में जुड़कर क्या कर लेते हैं, एक कॉन्जुगेट ट्यूब, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक कॉन्जुगेट ट्यूब या ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। जैसे नदी में आप देखे होंगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच एक ब्रिज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ट्यूब या ब्रिज, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका डोनर सेल है उसी का जो डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है, एक सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आउटर वाला जो डीएनए है, इसमें दो डीएनए सर्कुलर मतलब ऐसे सर्कुलर है, तो आउटर और इनर, तो आउटर वाला जो डीएनए है वो क्या करेगा, जो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल की तरफ मूव करेगा यानी जाएगा, कौन जाएगा, जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए, ठीक है। उसके बाद डी स्टेप में क्या होता है कि पूरे चले जाता है और यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट की क्रिया होती है यानी रेप्लिकेशन होता है, प्रकृति की रिकरण होता है, क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ का जो ऊपरी का सेल है और यहाँ का ऊपर का सेल है, जो बैक्टीरिया सेल है, वो दोनों आपस में जुड़कर एक नया डीएनए सर्कुलर डीएनए का फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके भी ऊपर का मतलब 5 डेज से 3 डेज, यहाँ भी 5 डेज से 3 डेज, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक और अलग से सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं यानी आपका एक्स फैक्टर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ये डोनर सेल और ये रिसिपिएंट सेल है, रिसिपिएंट,